जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 2 जनवरी 2016 से 5 जनवरी 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। ONGC ने लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट जीता। स्वीडन की सीमा पर शरणार्थियों के लिए नए नियम लागू किए गए। जावेद अहमद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नियुक्त। भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप यानी सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता। आबिद अली नीमचवाला विप्रो लिमिटेड के नए CEO नियुक्त। गायक संजय सुब्रमण्यम संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित। सेंसर बोर्ड में सुधार हेतु श्याम बेनेगल के नेतृत्व में समिति गठित। गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित। करंट अफेयर्स विस्तार से। ONGC ने लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट जीता। ONGC ने भारतीय रेलवे को पेनल्टी शूटआउट में 5-2 से हराकर प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। यह लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट का 26वां संस्करण था। यह प्रतियोगिता 27 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2016 के मध्य नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। यह हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित विभिन्न नेशनल टूर्नामेंट में से एक है। स्वीडन की सीमा पर शरणार्थियों के लिए नए नियम लागू किए गए। इन नए नियमों के अनुसार डेनमार्क के रास्ते से दक्षिणी दिशा की ओर से आने वाले यात्रियों के कागजात चेक करने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वर्ष 2014 में जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से स्वीडन में शरण लेने वालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक थी। वर्ष 2015 में भी स्वीडन में 1,60,000 से अधिक विदेशियों ने शरण प्राप्त की, जबकि इस देश की अपनी कुल जनसंख्या केवल 98 लाख है। पिछले एक वर्ष में 33,000 बच्चे इस देश में पहुंच गए हैं, जिससे सरकार पर सामाजिक खर्च बढ़ रहा है। जावेद अहमद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नियुक्त। जावेद अहमद पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव का स्थान लेंगे। पुलिस महानिदेशक यानी DGP जगमोहन यादव 31 दिसंबर 2015 को सेवानिवृत्त हो गए। जावेद अहमद भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के 1984 बैच के अधिकारी हैं। वह इससे पहले पुलिस महानिदेशक रेलवे के पद पर तैनात थे। भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप यानी सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता। केरल के त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 2-1 से पराजित किया। भारत ने 7वीं बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इस कप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ने भाग लिया था। यह प्रतियोगिता वर्ष 1993 में स्थापित की गई थी। आबिद अली नीमचवाला विप्रो लिमिटेड के नए CEO नियुक्त। टीके कुरियन को कार्यकारी उपाध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आबिद अली नीमचवाला ने टीके कुरियन का स्थान लिया है। यह नियुक्तियां 1 फरवरी 2016 से प्रभावी होंगी। नियुक्ति से पूर्व टीके कुरियन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद और आबिद अली नीमचवाला COO के पद पर कार्यरत थे। गायक संजय सुब्रमण्यम संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित। यह पुरस्कार उन्हें प्रसिद्ध गणितज्ञ मंजुल भार्गव द्वारा तमिलनाडु स्थित चेन्नई में आयोजित 89वें मद्रास म्यूजिक एकेडमी के दौरान दिया गया। उन्हें गान पद्मम 2013, वाणी कला सुधाकर 2010 एवं कल इमामिनी 2006 पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा कर्नाटक संगीत में विशेष स्थान हासिल करने वाले कलाकार को दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है संगीत एवं कला का खजाना।
सेंसर बोर्ड में सुधार हेतु श्याम बेनेगल के नेतृत्व में समिति गठित। यह समिति मार्च 2016 तक सेंसर बोर्ड में जरूरी बदलाव को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इस समिति में फिल्म निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा, फिल्म समीक्षक भावना सोमैया, एड गुरु पीयूष पांडे को भी शामिल किया गया है। यह समिति सेंसर बोर्ड के स्टाफिंग पैटर्न में बदलाव को लेकर भी रिपोर्ट देगी। गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित। रघुवीर चौधरी का चयन प्रसिद्ध आलोचक डॉ. नामवर सिंह की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किया। चौधरी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे गुजराती साहित्यकार हैं। पुरस्कार के रूप में उन्हें 11 लाख रुपए की राशि, वाग देवी की प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनसे पहले वर्ष 2001 में गुजराती साहित्यकार राजेंद्र शाह को यह पुरस्कार दिया गया था। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।